बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बहुत ही प्यारा प्लांट है क्योंकि ये मुझे बहुत अजीज है। ये मुझे गिफ्ट मिला था एक गमले की सूरत में और माशाल्लाह अब इसने इसे सारे एरिया को कवर कर लिया हुआ है। इसको साल में एक दो दफा आप जीरो कटिंग करते हैं। मैं ये आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये शेड लवर प्लांट है, इसको आप शेड में रखें, ज्यादा धूप में ना रखें। इसे ओवर वाटरिंग बहुत पसंद है। ये इजी टू ग्रो है, आप इजीली इसकी जड़ों से इसे थोड़ा सा खींच के तो इसकी जड़ें कहीं भी दबा दें, ये दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। साथ साथ आप इसकी डेड हेडिंग करते रहें। और उसके साथ साथ ये कि इसे अगर आप एक्वेरियम में रखते हैं तो ये एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि ये पानी में चलने वाला पौधा है, तो ये एक्वेरियम में और ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखें, आप जैसे देख रहे हैं कि इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको कटिंग चाहिए। जब इसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं तो मैं इसको बिल्कुल जीरो कट कर देती हूँ। इसको बिल्कुल नीचे से जीरो कट कर दूंगी। इसका कुछ हिस्सा मैंने नया लगाया हुआ है तो मैं उसे नहीं काटूंगी, लेकिन जो मेरा पुराना हिस्सा है मैंने उसको सारा जीरो कट कर दिया, गमलों में और नीचे जमीन पे। जमीन पे भी मैंने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 6-7 इंच की मिट्टी डाली हुई है जमीन पे, वो पॉपलर्स लगा के, तो उस मिट्टी में मैंने इसको किया। वैसे ज्यादा ज्यादा की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही आगे 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 फैलता रहता है, जड़ें इसकी फैलती रहती है। कुछ हिस्सा मैंने नहीं कट किया क्योंकि वो मेरा बिल्कुल न्यू है, वो बिल्कुल ग्रीन है, डार्क ग्रीन कलर है, तो वो इसलिए उसे जरूरत नहीं कटिंग की। लेकिन जो पीले हो रहे थे वो मैंने सब कट कर दिए हैं। तो मुझे तो ये प्लांट बहुत पसंद है। अगर आप इसकी हैबिट देखें तो मुझे ये बड़ा कोई आजीज पौधा लगता है, क्योंकि अगर कभी आप इसको शाम के टाइम पे देखें जब रात हो रही होती है तो अंधेरा हो रहा होता, तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आजीज इंसान सर झुका के खड़ा होता है, तो इसके लीव्स बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं नीचे की तरफ। अभी तो ऊपर जब धूप होती है तो बिल्कुल ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ इसका मुंह होता है, लेकिन जब आप इसको देखें जैसे कोई बड़ा ही आजिज बंदा सर झुका के अदब से खड़ा होता है, ये रात के टाइम ऐसे अदब से खड़ा होता है। मुझे इसलिए ये प्लांट बहुत पसंद है। तो आप भी अपने घर पे लगाएं, ये बहुत इजी टू ग्रो है। और बाकी अगर आपने इसकी कोई केयर वगैरह मुझसे पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।